आईपीएल 2023 का रोमांच लगातार जारी है और अब टूर्नामेंट का मिडिल फेज शुरू हो गया है। यहां रनों की बरसात तो हो ही रही है, साथ ही फैंस को रोमांचक मैच भी देखने को मिल रहे हैं। इस बीच रविवार को एक और डबल हेडर देखने को मिला, लेकिन रविवार को हुआ कोलकाता और मुंबई का मैच कई अन्य वजहों से भी चर्चा में रहा। यहां एक ही मैच में कुछ खिलाड़ियों का लाखों का नुकसान हो गया। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस वीडियो में समझाते हैं। मुंबई और कोलकाता के बीच 16 अप्रैल को वानखेड़े मैदान में मुकाबला हुआ। इस मैच में मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट से जीत दर्ज की, लेकिन ये मैच 3 खिलाड़ियों के लिए भारी पड़ गया। मुंबई की कप्तानी करने वाले सूर्य कुमार यादव, केकेआर के कप्तान नीतीश राणा और मुंबई के ही ऋतिक शौकीन पर इस मैच के बाद भारी जुर्माना लगा। रोहित शर्मा इस मैच में कप्तानी नहीं कर रहे थे, उनकी जगह सूर्या ने कमान संभाली। मुंबई की टीम तय समय में 20 ओवर पूरे नहीं फेंक पाई थी, ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव पर स्लो ओवर रेट के तहत 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा, यानी उनकी कप्तानी का पहला मैच ही जुर्माने वाला निकला। उनके अलावा नीतीश राणा और ऋतिक शौकीन पर भी भारी जुर्माना लगा। दोनों की मैच के दौरान कहासुनी हो गई थी और अंपायर्स को बीच बचाव करना पड़ा था। नीतीश राणा पर मैच फीस का 25% और ऋतिक पर 10% जुर्माना लगाया गया। दरअसल जब ऋतिक शौकीन ने मैच में नीतीश राणा को आउट किया, तब उन्होंने कुछ कहा, ऐसे में नीतीश ने पलटवार किया और दोनों के बीच कहासुनी हो गई। बाद में अंपायर्स और खिलाड़ियों ने दोनों में बीच बचाव किया, हालांकि बाद में दोनों पर ही जुर्माना लगा दिया गया। बता दें कि इस मैच में वेंकटेश अय्यर ने सेंचुरी भी जड़ी थी, लेकिन मैच मुंबई के नाम रहा। मुंबई के लिए इसी मैच में अर्जुन तेंदुलकर ने डेब्यू भी किया। ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब आईपीएल का एक मैच इतनी सारी वजहों से सुर्खियों में रहा हो। आईपीएल 2023 से जुड़ी अलग अलग अपडेट के लिए आप आज तक एआई के साथ बने रहिए।